हेलो गाइस, माई सेल्फ सुरभी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, मेकअप की वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था। आई जनरली नॉट प्रीफर ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत बहुत रेयरली मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ और हमेशा फिंगर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फिंगर्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इवनली हर एक चीज़ अप्लाई भी हो जाती है, बट फ्लॉलेस नहीं आता है। मालूम है, अगर आप हाथों से ब्लेंड कर रहे हो तो एक फ्लॉलेस चेहरा नहीं आता है जितना ब्यूटी ब्लेंडर से आता है। और ब्यूटी ब्लेंडर बहुत बहुत अच्छे से आपको हर एक जगह पे इवनली अप्लाई करके दे देता है। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं बताऊँगी। तो अगर आप आपको ईजी लगता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना तो आप मेरे टिप्स ज़रूर ज़रूर यूज़ करना, बहुत बहुत हेल्प करेगी आपको। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम देखते हैं ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं ना फाउंडेशन तो नहीं अप्लाई करके दिखाऊंगी, मैं सीसी क्रीम अप्लाई करूंगी, सॉरी बीबी क्रीम अप्लाई करूंगी। मैक की ड्यूप क्रीम है मेरे पास, तो मैं वो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा ही बाकी है ना, तो क्यों फाउंडेशन को वेस्ट करें, उससे अच्छा उसको ही वेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये मैक का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बीबी इन द सेंस ब्यूटी बाम, और ये ना मेरे शेड का नहीं है, इट्स टू लाइट। मेरे पास कोई भी मेरे शेड का है, एक फाउंडेशन है इनसाइट का, देखो इट्स टू लाइट। तो ठीक है ना, वैसे भी ये बाद में ब्लैक हो ही जाता है। तो मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, अब ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके, लाइक अभी ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है और मैं ऐसा प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ऐसा टेक्निक है कि मैं ऐसे करके फिंगर टिप से पहले लगा लेती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको ब्यूटी ब्लेंडर को एटलीस्ट 15 मिनट्स तक पानी में सोक करके रखना है। ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा था, ये पानी में जाने के बाद में फुल कर आया है। ठीक है, उसके बाद में आप ये पानी में क्यों डिप करोगे, क्योंकि ये आपको एक इवनली टेक्सचर अप्लाई करके देता है जब ये वेट हो जाता है। कभी भी इसे सूखा यूज़ नहीं करना है, ठीक है गाइस। और 20-30 रुपीस वाला ब्यूटी ब्लेंडर आपको नहीं लेना है। आई नो कि अफोर्डेबल लेना चाहिए, तो आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, अभी मुझे याद नहीं है ये कौन से ब्रांड का है, तो आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हो। वो उनका भी ब्यूटी ब्लेंडर बहुत बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं उसके, बहुत बेस्ट है वो। और इसको हमें वेट करना है, इसको गीला कर देंगे, पूरा पानी निचोड़ लेना है, एक भी बूंद बाकी नहीं होना चाहिए। और आप कैसे चेक करोगे कि ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी अच्छी है, जो स्पंज एकदम सॉफ्टली दब जाए ना, आपको हार्शनेस ना लगे, जैसे अभी ये एकदम से अच्छे से हो रहा है, देखो मुझे कुछ हार्शनेस नहीं लग रही है, तो ये अच्छा है, ऐसा आपको चूज करना है। तो अभी मैं ब्लेंड करती हूँ। तो ये होता है बट एरिया ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, तो हम बट एरिया से इसे डैप करेंगे। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करके हम पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे, इवनली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट एरिया से हमें, आप सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से ना पूरा मेकअप भी कर सकते हैं, मालूम है कैसे, मैं आपको बताऊंगी, बट आई एम नॉट डूइंग पूरा मेकअप हियर। देखो इसे इवनली अप्लाई हो जाता है, आपको गीला करके ही यूज करना है। तो अब भी बारी आती है कंसीलर की, तो मैं हमेशा की तरह NYB का कंसीलर स्टिक यूज करने वाली हूँ। और क्रीम प्रोडक्ट्स से ही, मतलब आप क्रीम प्रोडक्ट्स ही ब्यूटी ब्लेंडर से बिट ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पाउडर में तो हमें ब्रश चाहिए रहता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाई हो।
तो मुझे जहाँ जहाँ पर क्रीज लाइन होती है मैं वहाँ वहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी और अब हमारे हाईलाइट पॉइंट्स। ओके, तो मुझे सिर्फ यहाँ यहाँ पर ही कुछ ही एरियाज में कॉम्प्लेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने बताया था आपको कि बट एरिया से हम हमारा फाउंडेशन सीसी क्रीम बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स डैप डैप करके अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी इनर कॉर्नर्स, ये जो एरिया है यहाँ पे हम कैसे ब्लेंड करेंगे? तो ये जो टिप होती है ब्यूटी ब्लेंडर की, ये जो नोक होती है उससे हम ब्लेंड करेंगे। उससे भी हमें डैप 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 भी करना है। ऐसे वीडियो बड़ी हो सकती है, मुझे पता है सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में ही है, बट अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले तो क्या फायदा ऐसे वीडियोस का, राइट? बहुत इजी हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना, एक दो बार आपको नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि मुझे भी नहीं होता था, बाद में आप यूज टू हो जाओगे। सी ना, फ्लॉलेस लग रहा है। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एक बीबी क्रीम और एक अभी एक कंसीलर। एनवाईबे का कंसीलर बहुत अच्छा है गाइस, सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनके। टिप से ही मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है। सही वाला फ्लॉलेस लग रहा है ना गाइस? तो ऐसे ही आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने यहाँ पे कॉन्टोरिंग क्रीम, मेरे पास क्रीम नहीं है गाइस, तो मैं सच में आपको डेमो करके बताती थी, बट मेरे पास अभी कॉन्टोरिंग क्रीम नहीं है, मेरे पास पाउडर है और मैं पाउडर हमेशा ब्रशेस ही प्रीफर करती हूँ कि ब्रशेस से अप्लाई करूँ। तो आप कॉन्टोरिंग ले लीजिए, तो यहाँ पर स्टिक ऐसे अपने अप्लाई कर दिया, तो आपको अपवर्ड डिरेक्शन में उसको क्या बोल सकते हैं, स्मज करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे स्मज करना है ये एरिया से, ठीक है? आपको ऐसे ऐसे करना है। आप यहाँ पर भी लगाओगे ना तो आपको भी ऐसे ऐसे ऊपर 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 जाना है, ठीक है? क्योंकि आपको 3D डायमेंशन देना होता है ना आपके फेस को। और ये टिप से आप नोज कॉन्टोरिंग कर सकते हो, ऐसे नीचे 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 डैप करते हुए। आपको किधर भी ऐसे 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 नहीं करना है, आपको सिर्फ डैप 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 ही करना है, आपको गीला करना है, इसको रफ यूज नहीं करना है, ठीक है गाइस? तो ये है यूजेस। और आप पाउडर भी लगा सकते हो, जैसे कॉम्पैक्ट हो गया, लूज पाउडर हो गया, तो आप एक डिप कर देना लूज पाउडर में, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी ये मेरे पास इनसाइड का कॉम्पैक्ट है, ये मैं बट एरिया ले रही हूँ, आई एम अप्लाइंग लाइक दिस। तो गाइस, लगी ये वीडियो आपको हेल्पफुल? दिख रहा है मेरे चेहरे पे, मेरा स्टार्टिंग का फेस देखना और अभी का फेस देखना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत अच्छा फ्लॉलेस आ जाता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से, एक हाइजीन मेंटेन होता है क्योंकि हम उसको हमेशा वॉश करके यूज़ करते हैं और हमारे हाथ हमेशा गंदे होते हैं, हम धोते भी नहीं हैं, कभी कभी याद नहीं रहा तो फटाक से कोई भी क्रीम ले ली, लगा ली, हो गया। नो, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा हाइजीन है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, तो मैं यहाँ पर सब कर देती हूँ गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, कमेंट में बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, अगर हेल्पफुल लग रही हो और आपको किस बारे में वीडियोस चाहिए तो मैं वो ज़रूर ज़रूर करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करना एंड शेयर दिस वीडियो टू द मेकअप गर्ल जो मेकअप करती है, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।